देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन के लिए किए गए फैसले के उपरांत जहां देश की जनता अपने अपने घरों में रहकर प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन कर रही है, वहीं लोगों की सुविधा के लिए देश भर में बैंकिंग सेवा चालू है। बैंक कर्मचारी लोगों की सुविधा के लिए हर रोज निर्धारित समय पर बैंक में पहुंचकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल में भी सभी बैंक खुले हैं और लोगों की सेवा के लिए काम किए जा रहे हैं। हिमाचल ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशों पर लॉकडाउन होने के बावजूद बैंकिंग सर्विस चालू है। उन्होंने प्रदेशवासियों से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लिए निर्धारित सीमाओं का पालन करने के साथ साथ बैंकों द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील भी की। कोरोना वायरस बीमारी के प्रभाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष होने के नाते सभी सम्मानित ग्राहकों, कर्मचारीगण, अधिकारीगण, समस्त प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वह इस बीमारी के फैलाव को रोकने हेतु सरकार द्वारा जारी किए जा रहे निर्देशों का पालन करें। आज दिनांक 24/3/2020 से 31/3/2020 तक बैंकिंग लेनदेन का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में केवल निम्न कार्य ही किए जाएंगे: नगद लेनदेन, क्लियरिंग, राशि अंतरण, नेफ्ट, आरटीजीएस, सरकारी लेनदेन। मेरा अनुरोध है कि समस्त ग्राहक ज्यादातर लेनदेन हेतु बैंक के डिजिटल चैनलों जैसे मोबाइल बैंकिंग व यूपीआई ऐप आदि का उपयोग करें व इस बीमारी से अनावश्यक फैलाव को रोकने में सहयोग दें। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।